नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबर, दिघुली में 20 लाख की लागत से अमृत सरोवर तालाब का सुंदरीकरण का किया जा रहा निर्माण। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज चौकी बरोदा अंतर्गत ग्राम दिघुली में ग्राम प्रधान सुरेंद्र कुमार जायसवाल द्वारा अमृत सरोवर के तहत तालाब का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। जिस तालाब का सुंदरीकरण कराया जा रहा है उसे लोग जोडवनिया तालाब के नाम से जानते हैं। मौके पर मनरेगा के तहत मजदूर मजदूरी करते पाए गए। सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ग्राम सभा में अमृत सरोवर के तहत तालाब का सुंदरीकरण कराया जाए। 20 लाख रुपए के लागत से इस तालाब का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। इस तालाब को जोडवनिया तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक शिव मंदिर है जो कई वर्षों पुराना है। मंदिर के दोनों तरफ तालाब है, बीच के भीटा पर शिव मंदिर स्थित है। यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ का दृश्य मनोरम व सुनहरा है। इस ग्राम सभा के प्रधान सुरेंद्र कुमार जायसवाल हैं और ग्राम विकास अधिकारी गौरव कुमार तथा खंड विकास अधिकारी कुलदीप कुमार सिंह हैं। मैं पप्पू सिंह कुशवाहा, इस समय में जो है मिर्जापुर के लालगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा दिघुली में आया हूँ और यहाँ पर जो है अमृत सरोवर का कार्य चल रहा है और यहाँ लेबर जो है वर्क कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ मानसरोवर का काम जो है खुदाई का चल रहा है और आपको देखिए यहाँ पर जो है यहाँ के जो है ग्राम प्रधान जी हैं सुरेंद्र प्रधान जी और यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी हैं गौरव कुमार जी और खंड विकास अधिकारी कुलदीप कुमार जी हैं और यहाँ जो है अमृत सरोवर का कार्य चल रहा है। काफ़ी लेबर, हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि इस तालाब में काफ़ी जो है लेबर लगे हुए हैं। और एक मित्र मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो स्थल है बहुत दिव्य स्थल है। यहाँ जो है शिव जी का मंदिर भी है और ये जोड़वनिया तालाब के नाम से इसको लोग जानते हैं और यहाँ काफ़ी पुराना मंदिर था और काफ़ी लोग जो है इनको शिव मंदिर को सिद्धेश्वर नाथ के नाम से भी लोग जानते हैं और यहाँ पर एक दिव्य स्थल है। लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं, काफ़ी दूर दूर से दर्शन करने के लिए भी आते हैं यहाँ पर। एक और देखिए मित्रों, यहाँ पर जो है एक तालाब में जो है सीढ़ियाँ बनाई गई है। हम सीढ़ी के माध्यम से जो है नीचे उतरते हैं। देखिए कितना दिव्य एक सीढ़ी बनाई गई है तालाब में उतरने के लिए। हम सीढ़ी के माध्यम से नीचे चल रहे हैं जहाँ की काम चल रहा है यहाँ पर खुदाई का। और एक अच्छे दृश्य यहाँ आपको देखने को मिलेगा इस तालाब के बारे में। आप लोगों ने बहुत तालाब देखा होगा लेकिन ऐसा तालाब आपको नहीं मिला होगा। दृश्य दिखाना चाहता हूँ और अभी जो है यहाँ प्रधान के द्वारा जो है ग्राम प्रधान के द्वारा मालूम हुआ कि जो है 18 बीघे में जो है यहाँ दो तालाब बने हुए हैं, जोड़वनिया तालाब के नाम से लोग जानते हैं यहाँ पर। और जो है लेबरों द्वारा जो है खुदाई तालाब का किया जा रहा है। मिट्टी सूख गई है इसलिए काफ़ी दिक्कत लेबरों को खोदने में पड़ रहा है। यहाँ काफ़ी लेबर लगे हुए हैं। हम कुछ आप लोगों को लेबरों से जानकारी देना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? रहने वाले हैं दिघुली के। कितने दिनों से यहाँ पर काम चल रहा है? डेढ़ महीने चल रहा है। पैसा अगर आप लोगों को मिल रहा है? मिल रहा है। ये बताइए कि आप लोग मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, इसमें तो काफ़ी परिश्रम करना पड़ता होगा आप लोगों को और मिट्टी ऊपर भी ले जाना पड़ता होगा। कितने लेवल मिट्टी को चढ़ाते हैं ऊपर ले जाते हैं? अरे बहुत दूर से कम से कम 100 मीटर के 100 मीटर मतलब ऊपर ले जाना पड़ता है, मिट्टी चढ़ाना पड़ता है आप लोगों को। चलिए, और आपका क्या नाम दिया? कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? डेढ़ महीने से। तो मजदूरी वगैरह तो मिल रहा है आप लोगों को ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम? इसराम। आप भी काम करते हैं इसमें? अच्छा, चलिए देखिए, यहाँ लेबरों द्वारा जानकारी मिल रही है कि हम लोग काफ़ी दिनों से इसमें काम कर रहे हैं और हम लोगों को मजदूरी वगैरह मिल रहा है और यहाँ काफ़ी महिलाएं भी लगी हुई हैं। देखिए, हम आप लोगों को कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि काफ़ी महिलाएं जो है मिट्टी को लेकर के तालाब के ऊपर ले जा रही हैं। हम आपको कुछ महिलाओं से मिलाना चाहते हैं। ये महिलाएं हैं जो कि इस तालाब में काम कर रही हैं। आपका क्या नाम है?
अमरावती। आप कितने दिन से काम कर रही हैं? दो महीना से। मजदूरी वगैरह मिलता है आप लोगों को? मजदूरी तो मिलत रहा साहब, यह भी चंद 2 हफ्ता है मजदूरी नहीं मिली। चलिए मिलेगा मजदूरी, काम कर रही हैं तो आज नहीं कल तो मिलना ही मिलना है। मिलना है तो किस सहारे जी साहब? हाँ चलिए ठीक है, समय का इंतजार कीजिए, मजदूरी आप लोगों का मिलेगा। पहले काम की तो मिला है ना? हाँ पहले काम करता मिला। आपका नाम मिली? रमदेई। आप कितने दिन से काम कर रही हैं? अरे 2 महीना के चक्कर में काम हो चुका है, 1 महीना। अच्छा अच्छा, रुकी बाटे नाली को पैसा रुका। यहाँ तालाब में जो काम कर रही हैं इसका पैसा मिल रहा है ना? वही 3 हफ्ता का मिला बच्चे, 2 हफ्ता का नहीं मिलेगा। मिला है, चलिए मिलेगा, वो भी मिलेगा। कहिया मिलेगा? तुम्हारे आदि बटे तो काम न मिलेगा। चलिए काम कर रही है, मिलेगा आपको मजदूरी। हाँ करिए। ग्राम प्रधान जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम आपसे भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। प्रधान जी ये काम कितने दिन से चल रहा है? 27 जून 2022 से चल रहा है। 27/5/2022 से काम चल रहा है। तो अभी कितना काम इसमें बाकी है, कितना हो गया है? 15 अगस्त को पूरा होगा। 15 अगस्त को पूरा हो जाएगा तालाब की पूरा। जी, जी, जी। तो ये कितने लागत से प्रधान जी ये तालाब पर खुदाई हो रहा है, कितने लागत? इसमें लागत कुल 20,78,000। 20,78,000। अच्छा, ये तालाब की जो खुदाई हो रही है इसके बारे में मतलब एक कौन सा स्थान है, कहाँ पर चल रहा है खुदा जा रहा है? ये है सिद्धनाथ मंदिर जो रहिया तालाब के नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जी। और यहाँ कितने तालाब हैं? 2 तालाब हैं क्या? यहाँ दोनों तालाब लगा हुआ है। जी जी जी। और यहाँ से विश्वनाथ का मंदिर भी है। जी जी जी। एक दिव्य स्थल है यहाँ, दिव्य स्थल है और लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। पिकनिक मनाने के लिए? हाँ। अच्छा, कितने पुराना मंदिर है यहाँ पर? अरे हमको नहीं जान, बहुत पहले का, बहुत पहले का मंदिर है यहाँ पर। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रधान जी। मैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल से पप्पू सिंह कुशवाहा की खास रिपोर्ट।